हेलो फ्रेंड्स, हम आपको सिखाएंगे ये स्माइली सिंपल सा फ्लावर बनाना। ओके, अब आपको क्या क्या सामान चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये ऐसी स्ट्रिप कटी हुई आठ स्ट्रिप चाहिए। इनकी चौड़ाई 1 इंची और जो इसकी लेंथ है लंबाई में 8 इंची। ओके, और दो ये सर्कल चाहिए, एनी कलर आप ले सकते हो, कोई भी कलर हो। ये दो सर्कल चाहिए और दो आई जो मैंने ऑलरेडी पहले बना के रखी हैं। और इसी शीट में से थोड़ा सा कट गया पार्ट हमारा बच गया था, उसकी हमने ये स्ट्रिप बना ली है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। एक सर्कल लेना है, ये जो हमने दो सर्कल्स की कटिंग करी थी इसी में ही, ये देखो आप देख सकते हो ये मेरी यूज शीट है, तो आप यूज शीट ले सकते हो। ये सर्कल लेना है, इस सर्कल के बैक साइड ये जो हमारी स्ट्रिप्स हैं इन्हें ऐसे फोल्ड करके और ये थोड़ा राउंड शेप में आपको ड्रॉ करके ये कट कर लेना है। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ऐसे कट कर लेना है। ओके, ऐसे ही सारी शीट में कटिंग करनी है आपको। ये सब कटिंग होने के बाद ये पीछे आपको फेविकोल लगाना है और इन सबको ये जो आपने स्ट्रिप्स की कटिंग करी है ये पेस्ट करनी है। ओपन पार्ट बाहर रखना है और ये जो जॉइंट हिस्सा है इस ये अंदर की साइड आपको पेस्ट करनी है। एक के ऊपर एक करते हुए ऐसे आपको सर्कल बनाना है। ये आपने देखा है सारी पेस्ट हो चुकी है, ऐसे ही सर्कल में पेस्ट करनी है और इसको सूखने के लिए हम एक साइड रख देते हैं। ये जो सेकंड है इस पे हम आईज अपनी पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा स्माइली फेस फ्लावर का होगा फेस। ओके, आईज आपको ये पेस्ट करनी है। फिर एनी कलर से इसकी नोज ड्रॉ करनी है। और रेड कलर से आपको इसकी स्माइली बनानी है। हमारा फ्लावर स्माइल कर रहा है ना, ये स्माइल बनानी है। ओके, ये कंप्लीट होने के बाद फिर इसमें हम ये सूख गया होगा ये देखते हैं, इसमें हम अपनी डंडी पेस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा फेविकोल लगाने और ये सेंटर में पेस्ट कर देना है। थोड़ा अच्छे से प्रेस करना है कि वो अच्छे से आपका पेस्ट हो जाए। फिर इनके ऊपर फेविकोल लगाना है क्योंकि हमें अपना फेस पेस्ट करना है। टडा, हो गया आपका स्माइली फेस रेडी। ओके, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रही होगी। थैंक यू।